खुशी रहो, आपका स्वागत करती हूँ हेडजी न्यूज में। आईसीयू में ही है लता मंगेशकर जी अभी तक, और वहां से हॉस्पिटल से अभी खबर आ रही है कि बहुत जल्दी अभी लता मंगेशकर जी ठीक होने वाली हैं। तो चलिए जानते हैं उनकी खुशखबरी, और बहुत ही देर के बाद ये खुशखबरी बाहर निकली है उसके बारे में हम आज की न्यूज में बताने जा रहे हैं आप लोगों को। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए, और साथ के साथ लाइक ठोकते हुए जरूर चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। लता मंगेशकर जी के बारे में आप जानते हैं, एक्चुअली लता मंगेशकर जी को मुंबई के हॉस्पिटल में 3 दिन पहले एडमिट करवाया गया था, और बोला जा रहा है कि उनको नमोनिया और उनको छाती में काफी ज्यादा जलन हो रही थी, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा इन्फेक्शन हो गया और उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। और पहले ही काफी ज्यादा ऐसी बातें हो रही थी, हॉस्पिटल से सिर्फ ये खबरें आ रही थी कि उनकी जो हालत है वो काफी ज्यादा गंभीर है, और उनको वेंटिलेटर में भी रखा गया था, और अभी तक भी वो आईसीयू में है। कुछ दिन पहले अभी उनके परिवार वालों ने अभी ये एक इंटरव्यू दिया था कि आपकी विशेष की वजह से, आपकी दुआओं की वजह से लता मंगेशकर जी जल्द से जल्द ठीक होने की कोशिश कर रही हैं। और आप लोगों को पता है कि लता मंगेशकर जी 90 साल की हो चुकी हैं, और कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपना 90वां जन्मदिन मनाया है, और उसके बीच में वहां पर मोदी जी वहां पर पहुंचे, अमिताभ बच्चन जी वहां पर पहुंचे, और हमारे क्रिकेट के गॉड सचिन तेंदुलकर भी वहां पर पहुंचे और उनको शुभकामनाएं दी, और काफी सारे लोगों ने शुभकामनाएं दी। और उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी, पर अभी खुशखबरी हॉस्पिटल से आ रही है कि जल्द से जल्द अभी लता मंगेशकर जी ठीक हो जाएंगी और उनके हालत में काफी ज्यादा सुधार आ रहा है। आई होप गाइस इसके बारे में जानकर आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, और आप भी लता मंगेशकर जी के लिए विश करते रहिए, क्योंकि अभी तक भी वो आईसीयू में ही है और वो जल्द से जल्द ठीक होकर आ जाएंगे अगर आप लोग दिल से विश करेंगे। अगर आप लोग लता मंगेशकर जी की आवाज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो प्लीज लता मंगेशकर जी करके कमेंट करते हुए जरूर जाइए, और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एचडी न्यूज़।